इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे ब्लिट्ज वुल्फ का एक ईयरफोन जो कि है BWES2। और गाइस काफी कमाल का ये ईयरफोन है, और बता दूं कि इसके खूबियों के बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप बिल्कुल इसे खरीदना चाहोगे। सो हे गाइस, मैं हूं आर्यनक और आप देख रहे हो मेरा चैनल टेक्नो एजा। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को काफी शॉर्ट में बनाऊं ताकि आप लोगों को बकवास वाली बातें ना सुनने को मिले। तो चलिए जल्दी से इसका हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इसका जो बॉक्स है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, और काफी मजबूत बॉक्स है। इस पे अगर कोई बच्चा चढ़ भी जाएगा तो नहीं टूटेगा। यार, इंडियन कंपनियां ऐसे बॉक्स कब देंगे, छोटे से बॉक्स दे देती है जो आसानी से टूट जाता है। तो बॉक्स ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमें हमेशा की तरह एक यूजर मैनुअल और एक वारंटी कार्ड मिलेगा, और इसे रख देते हैं साइड में। इसके बाद अंदर के साइड में आपको एक ईयरफोन बैग मिलता है जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है और काफी अच्छा होता है। अगर आपको वो बहुत ज्यादा पसंद आती है तो अपने घर पे रख देना, चिल्ला रखने के काम आएगी। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ईयरफोन डबने और टूटने का डर नहीं रहता है। एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूँ कि डब्बे के अंदर साइड से फोम लगा हुआ है ताकि ईयरफोन को कोई नुकसान ना पहुंचे। बैग के अंदर आपको एक रंग बिरंगा ईयरफोन देखने को मिलेगा जो कि रेड कलर का होगा, और साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स देखने को मिल जाएंगे, और एक एक्स्ट्रा क्लिप आपको देखने को मिल जाएगी जो आप अपने कपड़ों पर लगा सकते हो। इसमें आपको 3.5 mm का जैक भी मिल जाता है, और यहाँ पे ईयरफोन का जो बनावट है वो काफी अच्छी है, और इसमें इसको ऐसे एंगल पे बनाया गया है ताकि जब आप इसे कानों में लगाओ तो वो अच्छे तरीके से फिट हो जाए। साउंड क्वालिटी की बात करें तो ब्लिट्ज वुल्फ का आप कोई भी ईयरफोन खरीद लो, उसका साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा होता है, और बेस भी काफी हद तक सही होता है। बेस काफी झकास होती है और काफी ज्यादा होती है, आपको बाहर की आवाज बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी। अगर आप लगाकर चल रहे हो और पीछे से गाड़ी आकर आपको ठोक के भी चली जाए तो आपको मरने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ भाई पीछे से कुछ आ रहा था। तो कुछ ऐसे बेस होते हैं। हर ईयरफोन की तरह इसमें एक माइक मिल जाता है, और साथ में 3 एक्स्ट्रा बटन्स मिल जाते हैं जिससे आप अपने वॉल्यूम और म्यूजिक को कंट्रोल कर पाओगे, कॉल को पिक कर पाओगे वगैरह, जो सारी चीजें आप नॉर्मली एक ईयरफोन से कर पाते हो वो कर पाओगे। आजकल के ईयरफोन्स के जो वायर होते हैं वो आपस में घुलाटियां मार के ऐंठ ही जाते हैं, जैसे कि आपस में चिपका चिपकी करके बिल्कुल मसल से जाते हैं, लेकिन ब्लिट्ज वुल्फ के ईयरफोन्स में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि इनके वायर्स की क्वालिटी थोड़ी अलग टाइप की होती है। और 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ ब्लिट्ज वुल्फ का ईयरफोन, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से अभी भी वर्क कर रहा है, जैसे पहले कर रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं है। नॉर्मली इंडियन ईयरफोन्स में होता ही है कि कुछ दिनों में ही उनकी अकड़ निकल जाती है। तो अगर आपको एक लॉन्ग टर्म वाले ईयरफोन्स चाहिए तो आप ब्लिट्ज वुल्फ के ईयरफोन के लिए जा सकते हो। इसका जो प्राइस है वो है लगभग $15 से लेकर $20 के बीच में, वेरी करता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। तो मिला जुला कर देखा जाए तो इसका जो प्राइस है वो 1200 से लेकर 1500 के बीच में बैठता है। तो अगर आपको एक लॉन्ग टर्म वाला ईयरफोन चाहिए और वायर की क्वालिटी काफी अच्छी वाली ईयरफोन चाहिए तो आप ब्लिट्ज वुल्फ के ईयरफोन के साथ जा सकते हो। अगर आपको ये ईयरफोन्स खरीदने हैं तो banggood.com से आप खरीद सकते हो। इसके जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके आराम से खरीद लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में जो बेल आइकन उसे दबा देना। तो चलिए मिलेंगे हम अपने आने वाले अगले वीडियो में, टेक केयर और बाय बाय।